अच्छा तुम्हें अगर इसको मार्क्स दे रहे हो एक सेवन को डिफेंडर चलाने के बाद वन ऑन टेन कितने देते हो? हाय कैसे हैं आप सब, होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार अभी तक हमने डिफेंडर के बारे में बात की, उसका आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की, उसकी ड्राइव मैंने आपसे शेयर की, लेकिन राहुल को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार मैंने ना कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी कि जिसपे वो मुझसे अग्री नहीं कर रहे। तो मैंने राहुल को बोला कि आप चलिए मेरे साथ दोस्त और आप ड्राइव कीजिए X7 को और X7 को ड्राइव करके बताइए कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो कितनी ठीक है गलत है। तो राहुल अब करेंगे ड्राइव हमारी X7 को। तो ये वीडियो बेसिकली है हमारी BMW X7 का रिएक्शन वीडियो है ये, जो डिफेंडर ओनर देने वाले हैं कि डिफेंडर चलाने के बाद उन्हें X7 चला के कैसा लगता है। ठीक है राहुल? हाँ चलो देखता हूँ कितनी अच्छी है। चलिए चलिए जी, अब मैंने और राहुल ने लगा ली है बेल्ट, कार में हम दोनों गए हैं बैठ। मैंने राहुल की डिफेंडर चलाई थी, मुझे बहुत मज़ा आया था, लेकिन यस मुझे बिल्कुल फील हुआ 2000 सीसी का इंजन थोड़ा सा आपको लैग फील कराएगा, थोड़ा सा आपको लगता है कि भाग यार क्यों नहीं भाग रही। अब तुम मुझे बताओ X7 में कैसा फील हो रहा है? ये भागने में पिकअप इसका अच्छा है। अच्छा है, लेकिन वही है कि वो ये 3000 सीसी में है और वो 2000 सीसी में, पहले तो ये फर्क है। और इसमें 6 सिलेंडर है, उसमें 4 सिलेंडर है। गाड़ी अच्छी है लेकिन नीचे उससे डर लग रहा मेरे को, टिक ना जाए कहीं। नहीं 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 ठीक है, SUV है ये, डोंट वरी। वो एक्चुअली बहुत हाइट पर है कार। हाँ हाइट पे है उसका। हाँ। ये एक अपना मजा है अलग से। ड्राइव में कौन सी अच्छी है तुम सच बताओ? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं, तुम सच बताओ ड्राइव में काफी अच्छी गाड़ी पिकअप के हिसाब से, बहुत अच्छी है। बाकी ड्राइव में वो भी अच्छी है लेकिन वो पिकअप में इतना नहीं जितना ये उठ रही है ना, उस हिसाब से BMW का टैगलाइन है शेयर ड्राइविंग प्लेजर, ये ड्राइव के लिए ही फेमस है बीमर। अच्छा अच्छा, कि भैया तुम चलाने के शौकीन हो तो तुम इसे चलाओ। चलाने का तो हिसाब से आपको पता ही लग रहा होगा कि हम शौकीन हैं या नहीं। हाँ मुझे उसी से पता चल गया कि राहुल को ड्राइव का बहुत शौक है और ये तभी उसको बिल्कुल पता चल गया, वो हमें इंजन का कहीं ना कहीं वो स्पेक्स फील हो जाते हैं। ये है कि वो 2000 से अगर थोड़ा और ऊपर होता उसे करना चाहिए था, 3000 में तो वो काफी बेटर और ज्यादा अच्छी होती है। 3000 में पैसा बहुत बढ़ रहा है ना हमारा। हाँ अमाउंट बढ़ जाता है, ये अमाउंट के हिसाब से देखो सही है, चलाने में भी और उस हिसाब से अमाउंट में हम 26-27 में 1 करोड़ 26-27 में चलाने। एक शोरूम 96 है तो 96 में मुझे लगता है उन्होंने फिर भी काफी चीजें दी है। इसका एक शोरूम ही 1 करोड़ 19 लाख है तो ये तो पहले ही इतना पैसा ले रहे हैं। तो भैया तुम इंजन में भी करोगे तब तो लोग मुझे लगता है मार डालते BMW वालों को कि भाई इंजन तो दे दो हमें ढंग का। बाकी तो मुझे सब सेम लग रहा है लेकिन कंफर्टेबल ही ये लग रहा है इस गाड़ी में, एक तो मतलब चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल है, पिकअप ज्यादा पिकअप है, पिकअप है, बैठने में उसमें मजा ज्यादा है क्योंकि उसमें लगता है जैसे कि पावर सी आती है बैठते में, फील होता है अच्छा। तो ये एक उसमें अपना एक अलग मजा है, इसमें अलग है, दोनों अलग है, कंपेयर नहीं कर सकते किसी को किसी से भी, ये सच है। और मैंने इसीलिए डिफेंडर नहीं चूज़ की क्योंकि मुझे सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम ज़्यादा चाहिए थी गाड़ी, कि बहुत लग्जरी सा मुझे फील हो, बहुत कंफर्टेबल फील हो। लड़कों के हिसाब से देखो वो सही है, सीट तो मेरे को वो भी कंफर्टेबल लगती है, उसमें भी अच्छा लगा। नहीं वो एक्चुअली हम लड़के हैं तो हमारे हिसाब से अच्छी हो। आए हाय लड़के लड़के यार उसने ना ले लिए, अब उसने पैसे खर्च कर दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैं करता हूँ वो मैं देखता नहीं, बाकी है जो है वो बोला जाएगा। ये BMW है वो उस हिसाब से देखो बहुत फर्क पड़ जाता है, मुझे कीमत का भी तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कीमत के हिसाब से वो गाड़ी गुडविल है, अब यहाँ हो तो यहाँ इसका टिकने का डर रहेगा बहुत ज्यादा। वैसे तो नहीं लेकिन डर तो रहेगा, ऑटोमेटिक एयर पानी वानी लगने के बाद उसमें वो ज्यादा पानी में जा सकती है, वो पानी में बहुत अच्छी है, पानी बहुत ज्यादा पानी में जा सकती है वो, ये इतना नहीं जा सकती। और ये सही लेकिन दोनों गाड़ियां बराबर का वेट खींच सकती है, 3500 किलोग्राम का वेट वो खींच सकती है, 3500 किलोग्राम का वेट ये खींच सकती है। लेकिन यस इन डेप्थ वाटर कैपेबिलिटी X7 की कम है, ये इतना पानी में नहीं जा सकती, जितना वो तो ज्यादा ही चली जाएगी। उसकी हाइट भी तो अच्छी है। हाँ उसकी हाइट अच्छी ये है, भी है, ये हाइट। बाकी लेंथ वाइज X7 उसको एक्सीड करती है, लेंथ में बड़ी है ये, हाइट में वो बड़ी है। पिकअप जो है वो बोलना पड़ेगा बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पिकअप है। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट, एकदम मजा आता है चलाते कि भैया हेलीकॉप्टर में बैठ एरोप्लेन में बैठ गए हम। ये गाड़ी लिटरली आपको फील कराती है कि जैसे आप पानी के ऊपर चला रहे हैं, बहुत स्मूथ सा ड्राइव एक्सपीरियंस है इसका। जब हम इसको टेस्ट ड्राइव लेने गए थे ना तो वहाँ पे कई सारे और भी लोग थे तो जिनके पास भी थी वो ज्यादातर उनका यही था कि मैम आपको ऐसा लगेगा कि पानी के ऊपर चल रही है, तुम्हें लग रहा है इसका? हाँ मुझे अच्छा लग रहा है।
पानी में लेके ही नहीं गया है ना? पानी में हाँ, कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा सस्पेंशन कैसा लग रहा है आपको? हाँ सही है। अच्छा हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से ये ऑफ रोड है मतलब हम दोनों के बढ़िया हो गया ना। अगर एक सेवन चलानी है राहुल को मैं दे दूंगी, चेंज कर डिफेंडर चला, हम दोनों एक्सचेंज कर करके चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डन। एक बार भगा के देखता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। वाओ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। मैंने राहुल की कार बहुत कम चला के वापस दे दी थी, वो रुक नहीं रहा। मुझे मजे आए जा रहे हैं। अच्छा है इसका भगाने के मामले में, लेकिन मैं इतना भगाता नहीं हूँ ना गाड़ी को। हाँ भाई रोड भी नहीं है, नहीं हमारा रोड नहीं, इंडिया में भगाने के रोड ही कहाँ रह गए। सही बात, उस हिसाब से भगाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ मजा आया स्पीड में। अच्छा बहुत है ना, उसका अपना अलग मजा है, इसका अलग मजा है, ये सच है। काफी चीजों में कंपैरिजन नहीं बनता इन दोनों गाड़ियों का। सिलेंडर कम हो गए डिफेंडर के अंदर, वहाँ पे चार हैं यहाँ पे छः है। इंजन उसका छोटा कर दिया उन्होंने, 2000 cc का यहाँ पे 3000 cc का है। पावर स्पेक्स इस कार की ऑब्वियसली ज़्यादा है। यहाँ पर सारी आपको कैप्टन सीट्स मिलती है तो फुल ऑन कम्फर्ट है, वहाँ पर बीच में आपको बेंच सीट देती है तो थोड़ी सी कम्फर्टेबल के मामले में कम हो जाती है। और मुझे लगता है राहुल मम्मी को ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। मम्मी को है ना, मम्मी की चॉइस से सोचो। मम्मी की चॉइस से तो मम्मी तो कार में की बैटरी थी इसकी। मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी की बैटरी थी कार में। कहती भैया स्टेप पैडल लगा, मैं तब बैठूंगी। नहीं मम्मी को मेरे को पसंद आएगी जो मैं लूंगा। जो मेरा बेटा अपनी मेहनत से लेगा। वेरी गुड, यही होना चाहिए। मम्मियों को यही अच्छा लगता है कि बच्चे चाहे छोटी गाड़ी भी खरीद के लाए लेकिन अपने पैसों से अपनी मेहनत से खरीद के लाए, वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। उन्हीं का दिया हुआ है तो उनको वही अच्छा लगेगा ना। बहुत बढ़िया, हमारा क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा आप कौन सी बिल्डिंग बना रहे हो नेक्स्ट? मेरा अभी तो यूपी काम चलेगा। यूपी काम कर रहे हो? तो राहुल भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, इसने हॉस्पिटल भी बनाए हैं, पुलिस स्टेशन भी बनाया। राहुल नहीं पीजी है। पीजी बनाते हो? पीजी है हाँ, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम। कंस्ट्रक्शन मार्केट। ओके, कोई आपकी कंपनी का नाम है? नहीं मैम मैंने नाम तो कुछ नहीं दिया, बाकी मेरे नाम से जानते हैं सब। अच्छा जी, नाम से ही सामान बिकता है? अपना अपना खुद का बनाता हूँ, खुद का करता हूँ जो कुछ करता हूँ। अच्छा ओके, मैंने भी अभी टांग फंसाने की कोशिश कर रही हूँ राहुल। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी बड़ा बिल्डर बिल्डर बनने का शौक चढ़ा है कि मुझे कोशिश करेंगे तो और काम करना है। मुझे पता नहीं अभी कुछ भी, लेकिन यस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो गए हैं चीजों में तो आपकी हेल्प लेंगे। बिल्कुल अच्छा लगता है यार मुझे, मेरे को नहीं पता था मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह इतने ज्यादा, तुम लोग इतने काम वाम भी करते हो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खरीदते रहते हो, मुझे लगा मस्ती वस्ती करते रहते हो, बस काम में ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान है काम पे भी। बहुत बढ़िया, बहुत मजा। हम जल्दी नया प्रोजेक्ट ले गए, ये लोकल रोड है, अब यहाँ देखना है इसका थोड़ा बहुत। पूरा टेस्ट करेगा गांव में घुसा के टूटी फूटी सड़कों पे। काम चल रहा है ना यहाँ पे। हेड टर्नर तो ये भी है राहुल, ऐसा नहीं है डिफेंडर। नहीं नहीं हाँ है, देखते हैं इसको भी सब है। क्या लेके घूम रहे हो भाई? बिल्कुल साइज बड़ा लगता है इन गाड़ियों का, लेकिन ड्राइव में दोनों गाड़ियाँ मुझे लगती है बहुत इन कंट्रोल लगती है हमें। हाँ ये तो। अच्छा तुम्हें अगर इसको मार्क्स दे रहे हो एक सेवन को डिफेंडर चलाने के बाद, 1/10 कितने देते हो? 10 दूंगा। नहीं कट रहा नंबर? इसको इसको ही तो दे रहा हूँ, इसी को दे रहे हैं भाई। डिफेंडर को कितने देते हो? उसको भी 10 दोगे? नहीं उसको 10 नहीं तो 7 से 8 तो दे ही सकता हूँ। अच्छा अपनी कार को 7-8 दोगे? एक 7/10 स्कोर कर रहा है। रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है तुम्हारा? मेन रीजन सिर्फ ओनली स्पीड का है, पावर जो जैसे कि हम उठा रहे हैं इसको देखो, वो थोड़ा वक्त लेगी लेकिन भागेगी वो भी। हाई गियर्स में ना तब वहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत करेगी वो। वो हाइट लेवल से मुझे वो ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे बड़ा मन है यार हम चलेंगे नदी वदी में लेके उसे। एक ना राहुल इसके पीछे थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक भी है। जो डिफेंडर है ना हमारी, वो हमारी थोड़ी बॉक्सी स्टाइल में है, डब्बा होता है ना बॉक्स की तरह, तो वो गाड़ी की शेप इस टाइप की है। और हाइट है तो क्या होता है, वो हवा से एक तरीके से लड़ाई करती है, तो इंजन छोटा है, ऊपर से उसका डायनामिक्स इस टाइप का है, तो गाड़ी थोड़ी सी इसलिए जान लगाती है आगे बढ़ने में। इस गाड़ी की जो डिजाइनिंग है ये एरोडायनामिक्स है, हवा सीधा कट के ऊपर चली जाती है, पार हो जाती है, वेंट्स इसमें सारे ऑपरेशनल है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको गाड़ी लाइट फील होती है चलाने में। अभी उसको ऐसे चला के नहीं देखा ना तो अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकता। दो दोगे तुमने मुझे बोला ना कि अभी तो मैं इसे खोल दूंगा पूरा, फिर बात करेंगे। मतलब अभी किसने मुझे ड्रैग रेस के लिए मना कर दिया राहुल ने कि नहीं हम अभी ड्रैग रेस नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरी गाड़ी को मुझे और खोलने बोलने को पता नहीं क्या करने वाला है, फिर हम दोनों ड्रैग रेस करेंगे। तुम्हें लगता है हम जीतेगी इससे? देखो हार नहीं मानता मैं, डर के आगे जीते, तो इसलिए कोशिश कर सकते हैं, कह नहीं सकते।
ओके, ये रोड पे पता लगेगा। ठीक है, डन। मतलब राहुल को ये कॉन्फिडेंस है कि X7 वैसे डर जाएगी साइज वाइज देख के, शायद हो सकता है। नहीं भाई, वो देखेंगे। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, तुम्हें गांव में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ ऑफ रोड में काफी वो आई, हाँ। दिक्कत चलाने में, ड्राइव करने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी फुल ऑन जज करके ना रोड को अपना पूरा अप डाउन जो करना है सब करती रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं लगेगी, डोंट वरी। जैसे ये ऊंचा है तो ये मेरे को जैसे नीचे लग रही है, तो ऐसा लग रहा था कहीं टिक ना जाए, पर वो भी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं टिक रही है। तो दोस्त, ये था हमारा राहुल के साथ सुपर फैबुलस ड्राइव एक्सपीरियंस, जिसमें डिफेंडर ओनर ने हमारी X7 के बारे में बात की। X7 स्कोर कर गई 10, डिफेंडर को मिल गए 7 और 8, राइट। बाकी और कैपेबिलिटीज हम बहुत सारी चेक करते रहेंगे इन दोनों गाड़ियों की। अभी हमारी ड्रैग रेस पेंडिंग है, हम ऑफ रोडिंग भी करने वाले हैं, और देखते हैं क्या क्या हम दोनों का मन करेगा, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों गाड़ियों के साथ। पानी वाले में तो हार जाएगी राहुल। हाँ, पानी वाले में ही हार, 1000% हारेगी। मैं तो पहली हार मान ली। चलो कहीं तो हार मान ली। नहीं, मान ली भाई, बिल्कुल मान ली। बट यस, दोनों कार बोलते हैं ना, मेरा तो दोनों गाड़ियां प्यार है, मुझे पसंद है दोनों कार्स। देखो हाइट में तो स्कॉर्पियो की ज्यादा हाइट, स्कॉर्पियो। दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता देती हूँ राहुल और सब ऑडियंस को भी। जो राहुल को लग रहा है कि यार वो गाड़ी बहुत ऊंची है तो वो कहीं नहीं लगेगी, और ये गाड़ी नीचे ही लग रही है उनको फील करने में और ये लग जाएगी, तो बहुत स्ट्रेंज बात है कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस डिफेंडर से ज़्यादा है। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है 221, उसके अंदर है 218, 218। गाड़ी के वेट की भी अगर बात करोगे राहुल, तो ये गाड़ी उससे ज़्यादा भारी है, लेकिन उसके बावजूद आपको चलाने में बहुत हल्की लग रही है, क्योंकि 6 सिलेंडर इंजन के साथ ये कार आती है, उसका वेट भी कम है, तो इसके कंपैरेटिवली कम है। तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स कंपनी ने ना, लगता है कि थोड़ा सा रीथिंक वाली ज़रूरत है, कि लोग इतना ज़्यादा उस कार से प्यार करते हैं, कुछ स्पेक्स के ऊपर अगर और काम करेंगे तो माइंड ब्लोइंग व्हीकल है। और लेंथ भी X7 की ज़्यादा है, लेकिन हाइट में डिफेंडर जीत जाती है। बिल्कुल। कितने पानी में लेके जाओगे? देखते हैं। नदी में लेके जाओगे? चिल्लाएंगे, नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। सबसे फनी होता है कि दोस्तों की हेल्प हम लोग लेते हैं कि यार तू बता दियो, और दोस्त पता है बताते नहीं है पंगे लेने के लिए, अरे ले 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 ले, बस जा रही है, सही जा रही है, सही जा रही है, और जब फंस जाएगी फिर सब एक्टिव हो जाएंगे, चलो अभी से निकालने का अभियान शुरू करते हैं गाड़ी को। राहुल को गाड़ी से प्यार हो चुका है भाई, बिल्कुल मुझे पता चल चुका है, शाम कर चुका है ये। मुझे इतनी देर से कह रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, यार मैं लेट हो रहा हूँ, और अब इसको मजे आ रहे हैं इसको ड्राइव करने में। पूरा टेस्ट कर लिया मैंने इसको भी, पूरा कर लिया, मजा आया बिल्कुल। जब ये आई थी ना गाड़ी, ये गाड़ी X7 हो गया, हमारा Q8 हो गई, ये मुझे स्टार्टिंग से रेंज रोवर स्पोर्ट हो गई, ऑटोबायोग्राफी तो मेरा नेक्स्ट लेवल लव है, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्टार्टिंग से ही अट्रैक्शन देती थी मुझे, कि रोड पे किसी गई तो एकदम से देख रहे हैं कि वाह यार क्या गाड़ी है, मस्त। नेक्स्ट कार अभी तो लोगे नहीं तुम? नहीं अभी नहीं, है ना, अभी तो काम करेंगे, अभी काम करेंगे फिर। हाँ, अभी काम करेंगे फिर कुछ देखेंगे। तो दोस्त, ये थी हमारी BMW X7 का ड्राइव रिव्यू, जो हमने डिफेंडर ओनर से करवाया है, और उन्होंने क्या क्या इन्जॉय किया बता दिया आपको। मेरी कार तो विनर है, डिफेंडर को 7-8 नंबर दिए, मेरी गाड़ी को तो 10 नंबर दिए, बड़ा मजा आया मुझे। लेकिन सीरियसली, नो डाउट, अगर आप ड्राइव के ऊपर जाएंगे तो इस कार को कोई बीट नहीं कर सकता है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, बहुत सारी चीज़ें हम दोनों ने प्लान करी है इन दोनों गाड़ियों के लेके, वो सब आपको दिखाएंगे हम 1 by 1। तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे सारे, बहुत सारा खुश रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। लव यू ऑल, बाय।